नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन विद मीना शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से कराने जा रही हूँ। आज हमारे साथ हैं सत्येंद्र सिंह। ये अमरोहा के रहने वाले हैं, किसान के बेटे हैं और इन्होंने देश की सबसे बड़ी परीक्षा UPSC क्लियर किया है। अब ये IAS अफसर बन गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और आपको सब जानकर ही आश्चर्य होगा कि ये जब ये एक साल के थे तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई, पर तमाम दुश्वारियों को पार करते हुए इन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये JNU से PhD कर रहे हैं और इन्होंने IAS की परीक्षा पास कर ली है। आइए इनसे सुनते हैं इन्हीं की कहानी। नमस्कार सत्येंद्र जी। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम आप जो हमारी आपकी बातचीत होगी हम दो सेगमेंट में करेंगे। पहले आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में और दूसरा कैसे आपने IAS की परीक्षा क्लियर की, क्या तैयारी की। तो सबसे पहले बात आपके बचपन की, अपने बचपन के बारे में बताइए। आप किस शहर से, किस गाँव से हैं और कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ? मेरा जन्म अमरोहा जिले के हुमायूं नगर गांव में हुआ। बहुत छोटा सा गांव है, कुछ ही किसान परिवारों का गांव है और उसमें श्री विक्रम सिंह मेरे पिता थे। तो 1.5 साल की उम्र में निमोनिया की बीमारी में मुझे गलत इंजेक्शन लगा जिसके कारण मेरे ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज हो गए और उस वजह से रोशनी चली गई, जो कि अभी तक इरिवर्सिबल है। मतलब अभी तक उसका जो उस पर जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल नहीं है, ट्रीटमेंट पूरी तरीके से उसका पॉसिबल नहीं है। तो कहीं भी उस पर मैं देखता रहता हूँ। लेकिन बहरहाल बचपन में फिर मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से अग्रेसिव भी रहता था, क्योंकि आई फेल्ट कि मेरे अंदर देयर वाज एनर्जी विच वांटेड टू लर्न। दूसरे बच्चों की तरह मैं भी पढ़ना चाहता था, तो वो लोग जो भी टेबल्स मैथमेटिक्स के या अल्फाबेट्स बोलते रहते थे, मैं उनको उनसे पहले याद करने की कोशिश करता था और वो कम्पीट करने का जो स्पिरिट था वो था उस समय। तो इस तरीके से 5-6 साल तक रहा बचपन। अच्छा, जब आप 1 साल की उम्र में आपकी आंखों की रोशनी चली गई, जाहिर सी बात है ये आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो आपके पिताजी किसान हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में रहते थे, तो वो कैसे आपके, उन्होंने इलाज की कोशिश की, कहाँ गए, क्या किया उन्होंने? देखिए, मेरे पिताजी की एजुकेशन, जैसा कि आपने ठीक कहा, वो क्योंकि मेरे दादाजी जल्दी एक्सपायर हो गए थे तो ज़्यादा हो नहीं पाई। 5th स्टैंडर्ड से परे मेरे किसी पेरेंट्स की एजुकेशन, किसी भी पेरेंट की एजुकेशन नहीं हुई। तो उस स्थिति में ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उनके लिए इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो बड़े बड़े डॉक्टर्स को एक्सप्लोर करें, उनसे बात करें, उनसे मिलें और मेरे को एम्स लेके आएं, दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इंडिया में लेके जाएं। लेकिन कहा जाता है कि वेन एवर यू आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, जब आपके पास पीछे हटने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो द ओनली वे इज़ द वे फॉरवर्ड। तो उन्होंने इस मिसहैप से लड़ने के लिए, इस ट्रेजेडी से लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ किया जो वो कर सकते थे उस समय। मेरे लिए जितना भी वो उनसे बन पड़ा सब कुछ किया। वो बड़े बड़े अस्पताल में मेरे को ले गए, डॉक्टर से मिलाया, कई कई महीने एम्स में रहे, नंबर आने का उन्होंने वेट किया, इंतज़ार किया। तो जब भी कोई मिसहैप या ट्रेजेडी किसी के साथ होती है तो अगर वो थोड़ा सा भी हिम्मत वाला है तो बहुत दूर तक जा सकता है। अच्छा, कब ये पता चला कि नहीं, अब रोशनी नहीं आ सकती है? नहीं, जैसे ही डॉक्टर्स ने ये क्लियर कर दिया कि रेटिनल नर्व्स डैमेज हैं, तो ऑब्वियसली वो उस समय इसका कोई इलाज था नहीं, तो डॉक्टर्स ने यही कहना शुरू किया कि आप इसको जितना खुश रख सकते हैं खुश रखें, जितने अच्छे से इसके साथ व्यवहार कर सकते हैं उतना करें, वो सारी बातें। ये किस साल में, आप कितने साल के थे जब ये आपके पिताजी को क्लियर हो गया कि नहीं, अब इस बच्चे की रोशनी नहीं आ पाएगी? 2-3 साल तक। ओके, अच्छा, कुछ बचपन की यादें होंगी आपकी नॉर्मल बच्चों की तरह कहीं भी देख ना पाने का, वो क्या कुछ अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारा जो मस्तिष्क है वो अत्यंत पावरफुल डिवाइस है, बहुत ही अकल्पनीय रूप से वो बहुत शक्तिशाली यंत्र होता है। हमें ऐसा लग सकता है ऊपर से देखने पे, बाहर से देखने पे, कि दृष्टिहीनता कोई बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, लेकिन हमारा मस्तिष्क इतना पावरफुल होता है कि उसके बिना बहुत अच्छे से जीना सीख लेता है। ये ऐसा ही है जैसे 5 कर्मचारी किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों, 1 लाख रुपए का मंथली उत्पादन कर रहे हों, एक ने 2 महीने के लिए छुट्टी ले ली या फिर वापस ही नहीं आया काम पर, तो 4 कुछ समय तो बड़ा चिढ़ेंगे कुढ़ेंगे, लेकिन फिर वो 5वें के काम को धीरे धीरे करना सीख लेंगे और वो फैक्ट्री उतना ही उत्पादन करने लगेगी।
कभी ऐसा हुआ, ऐसी कोई बचपन की याद है जब आंखों की रोशनी ना होने की वजह से बाकी बच्चों ने आपको टीज किया, या आपने कोई वो दर्द महसूस किया, या वो नॉर्मल था, आपने कभी उस चीज़ को महसूस ही नहीं किया? कोई चीज़ नॉर्मल अगर हो तो नॉर्मलाइज हो जाती है. लाइक इट बिकेम नॉर्मलाइज फॉर मी टू बी विद दोज किड्स, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास वही बच्चे खेलने के लिए साथ में थे, तो सारा कुछ नॉर्मल तो था. लेकिन हाँ, नॉर्मल चीज़ें भी, देर आर थिंग्स यू फॉरगेट देम बट दे आर ब्रॉट बैक. तो ऑफ कोर्स बच्चे ऐसे टीज करते थे और वो चीज़ें वापस भी आती थी, तो आई वुड फील सैड फॉर अ मोमेंट. तो बट देन आई हैड नो ऑप्शन. नहीं, कभी ऐसा कोई लम्हा याद है जब आप दुखी हुए, पापा से कहा कि नहीं ये लोग मुझे ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा भी कभी हुआ? हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ. लेकिन जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी तो मेरे में ये एक बात ये आई कि वास्तव में मेरे पास कोई और उपाय है नहीं अपने आप को इस्टेब्लिश करके दिखाने के सिवा. और वो मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं, जो बच्चे वो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी ही पढ़ाई में मैं उनसे आगे निकलूँ. इफ़ आई कैन डिफीट दम इन द गेम आई कैन मूव फॉरवर्ड. तो मैंने इसीलिए वो उनके जो भी नंबर्स, छोटा बड़ा, ये छोटी, ये ABCD वगैरह एट्सेट्रा, आई स्टार्टेड जस्ट एक बार दो बार सुन के आई स्टार्टेड ट्राइंग कि मैं उनसे पहले उसको याद कर लूँ. अच्छा, किस उम्र में आप पढ़ने के लिए गए? मैं 5 साल का था 1999 में. हमारे एक अंकल हैं जन्म सिंह अंकल, उन्होंने दिल्ली में वो आए तो उन्होंने किसी विजुअल चैलेंज व्यक्ति को देखा और फिर स्कूल का एक पता लगा कि भाई स्पेशल स्कूल है किंग्सवे कैंप सेवाकुटीर में, राजकीय उच्चतर माध्यमिक मालंद विद्यालय. तो वहाँ मेरा एडमिशन फिर 1999 में, 2000 में कराया गया. दिल्ली में ये स्कूल जी था, जी मतलब ये जो स्कूल था वो दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ही था, जी तो सीधे आप अमरोहा के अपने गांव से दिल्ली के स्पेशल स्कूल में आके आपका एडमिशन हो गया? जी हाँ, उस समय मेरे लिए इट वाज यूनिक एंड ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस. मेरे को लगा कि ये तो देर इज समथिंग दैट आई हैड नेवर सीन एंड नेवर थॉट ऑफ. तो इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन. अच्छा, क्या ये इस स्कूल को अफोर्ड करना ये इतना आसान था? एक गवर्नमेंट स्कूल था तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं था. और जी आपके पिताजी यहाँ आपको छोड़ने आए, क्या कुछ उसमें भी कोई इमोशनल ये झटका था कि भाई नहीं, उन्हें? मैं आई वॉज जस्ट वॉन्टेड टू गो बैक होम. लाइक मैंने वो मैथमेटिक्स का ट्रेलर फ्रेम देखा जिसमें मैथमेटिक्स हम लिखते थे और ब्रेल स्क्रिप्ट देखी, तो प्राइम ऑफिस ही मुझे उसको देखकर लगा, छूकर लगा कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. मे बी इन लोगों ने सीख लिया क्योंकि 3 3 साल से यहाँ, 4 4 साल से दूसरे लोग वहाँ हैं, मेरे लिए इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम गोइंग बैक होम. तो मैंने बहुत हंगामा किया था वहाँ, लेकिन फिर रोक लिया गया मुझे, वो मेरे दोस्त बन गए, फिर मैं भूल गया सब धीरे धीरे. तो फिर वो मतलब अगर देखा जाए तो आप 5 6 साल की उम्र से ही दिल्ली में आ गए, हॉस्टल में रहने लगे और परिवार से दूर हुए. कब घर जाना होता था? साल में एक बार? कब कब मैं जाते थे बहुत लोग? ज़्यादा इनिशियली बहुत फ्रीक्वेंट करता था, अगर दिवाली की छुट्टियाँ, दशहरे की छुट्टियाँ और होली, फिर जो छुट्टियाँ अप्रैल मई में होती थी मैं उनको अप्रैल में ही घर चला जाता था किसी बहाने से. और मैं 3 महीने की छुट्टी करने की कोशिश करता था, 2 महीने को. तो उस समय बचपन में तो घर रहने का बड़ा मन करता था और हमेशा ये कंप्लेन करता था कि मेरे भाई को तो पेरेंट्स से दूर नहीं रहना पड़ता, मुझे क्यों रहना पड़ता है. तो दैट्स वाज द चाइल्डिश थिंग टू डू अच्छा, बिकॉज आई वाज मम्मी चाइल्ड. मम्मी पापा कैसे आपको समझाते थे? कभी वो मम्मी यही को बुरा कहते लगता थे था कि बेटे को कि दूर कर दिया? नहीं, ऑफ कोर्स, लेकिन वो यही कहते थे कि बेटा तेरे लिए यही एक रास्ता है. वो मेरा भाई वहाँ था क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता था हमारे यहाँ, आई कुडंट हैव अफोर्डेड. अच्छा, वो स्कूल में क्या एक्सपीरियंस था? वो जो दृष्टिबाधित स्कूल था वो किस क्लास तक था वो? 12th क्लास ओके. उस उसमें दौरान आपकी पढ़ाई कैसी चल रही थी? हाई स्कूल, इंटर में क्या ऐसी परफॉर्मेंस रही आपकी? मैंने 9th तक की जो स्टडीज़ हैं वो ब्रेल में करी, जी ब्रेल स्क्रिप्ट के जरिए. वो एक 6 डॉट से बनी हुई ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो 6 डॉट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को आप पेपर पे एम्बोर्स करें तो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स बनते हैं. जैसे 6 में से अगर आप पहले और दूसरे डॉट को एम्बोर्स करेंगे तो B बनेगा, पहले और तीसरे को कर देंगे, 2 को छोड़ देंगे तो K बनेगा, इस तरीके से. तो वो स्क्रिप्ट 9th तक मैंने उससे पढ़ाई करी अच्छे से. फिर 9th क्लास में मेरे लोकल गार्जियन थे यहाँ, मिस्टर हरीश कुमार गुलाटी, उन्होंने मुझे कंप्यूटर दिया और वो कंप्यूटर बड़ा यूज़फुल सिद्ध हुआ क्योंकि कंप्यूटर में जॉज नाम का स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर था.
तो वो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो है वो जो भी स्क्रीन पे आता था उसको आसानी से पढ़ सकता था, जैसे मैं चाहता था वैसे नेविगेट कर सकता था। तो उसके जरिए फिर वो बुक्स को स्कैन करो और वो स्कैन बुक्स आराम से आप पढ़ सकते थे, पीडीएफ डाउनलोड करो पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते। तो एक द एंटायर विस्टाज एंटायर न्यू वर्ल्ड ओपन अप ऑफ नॉलेज, लाइक वेयर आई कुड रीड एनी बुक आई वॉन्टेड टू, क्योंकि ब्रेल में बुक्स की थोड़ी लिमिटेशंस थी, हर बुक पब्लिश नहीं होती थी, लेकिन यहाँ कोई भी बुक को आप तुरंत स्कैन करके पढ़ सकते थे। अच्छा, ये जो हाई स्कूल इंटर के दौरान जो आपकी स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, स्पेशल स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, उस दौरान क्या आपका विज़न था, क्या आपने कुछ तय कर रखा था कि मुझे टीचर बनना है, आईएएस अफसर बनना है, क्या उस दौरान दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए आईएएस ये हाई स्कूल और इंटर की जो पढ़ाई है उसमें उस समय आते आते आई हैड सम सॉर्ट ऑफ टीनेज साइकोलॉजी। टीनेज साइकोलॉजी में हर टीनेज को लगता है, हर 18 से 21 20 साल के बच्चे को ही लगता है, 17 से 20 साल के बच्चे को, कि उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता, उसने जो वो सोचता है जो वो सोचती है वही ठीक है, देर परफेक्ट, उनके पेरेंट्स उनके बड़े उन सब रोंग हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आप रियलाइज़ करते हैं कि लाइफ इज़ अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, देर आर थिंग्स विच आर अनोएबल, किसी भी चीज़ को कम्प्लीटनेस में आप एंटायरिटी में आप जान ही नहीं सकते हैं। तो वो टीनेज साइकोलॉजी में मैंने सोचा वाओ अब तो बस मैं सब कुछ जानता हूँ, आई थॉट टू स्कोर वेरी नाइस मार्क्स। तो 10th में मेरे को 86% मिले, 12th में मेरे BFS 92.25 रहे। तो उस समय मैं सोचता था कि मुझे IAS तो बनना है, ये तो एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, लेकिन मुझे प्रोफेसर्स का करियर भी बड़ा अच्छा लगता था। तो अब ये लकी बात है कि शायद मुझे दोनों ही जीने को मिले, क्योंकि मैं 4 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। ओके, फिर इंटर के बाद क्या किया आपने? इंटर के बाद मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज चला गया। अब ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंटर तक की जो पढ़ाई थी, 12th तक की जो पढ़ाई थी, वो सारी हिंदी माध्यम से हुई थी। तो अब मुझे अंग्रेज़ी का इतना अच्छा ज्ञान था नहीं। वहाँ मैं गया तो हर कोई अंग्रेज़ी में बोल रहा है, अलग अलग एक्सेंट्स में बोल रहा है, तो इट वॉज़ वेरी इंग्लिश। मेरे को बड़ा वो हुआ कि मैं अब मतलब कैसे कोप होगा, कैसे रहूँगा यहाँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा भी कि तुम्हारा हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हुआ है तो देख लो इफ़ यू वांट टू बैक ट्रैक। तो मैंने वहाँ स्टिक ऑन करने का फैसला किया, लेकिन पहली क्लास में गया तो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब तक मैं एक सेंटेंस की मीनिंग निकालता था टीचर चार और कह देती थी। तो इट वॉज़ वेरी यूनिक। लेकिन ग्रेजुअली ये इंस्टीट्यूशन का कमाल था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज embraced me with open arms and fundamentally transformed me. It taught me English, it taught me the positivity, certain values which are significant in life, and it taught me discipline. So St. Stephen's College ne mujhe completely transform karke ek bahut achhi hybrid personality di, jisme main hindi aur apni deshi bhasha ka bhi acha gyan rakhta hu, deshi bhasha ke sath sath main अंग्रेजी में भी होल्ड रखता हूँ, फिर मैंने वहाँ पे फ्रेंच भी सीखी थी। ओह वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए, जब आप स्पेशल स्कूल में थे तो वहाँ तो ज़्यादातर बच्चे मतलब आपके जैसे ही थे, सारे बच्चे आप जैसे थे, लेकिन जब स्टीफन में आए तो वहाँ पर बाकी बच्चों के साथ आप थे, तो वहाँ पर कोई चैलेंज था आपके लिए? नहीं, उस सेंस में चैलेंज नहीं था, क्योंकि स्टीफनियंस वर वेरी एकोमोडेटिव, वेरी इंक्लूसिव एंड वेरी वेरी सेंसिटिव। तो स्टीफनियंस में ये बहुत अच्छी बात थी कि दे वर विलिंग टू कंसिडर द डिफरेंस। मैं हमेशा ही मान के चलता हूँ कि डिसेबिलिटी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, थोड़ा डिफरेंस, लिविंग विद द डिफरेंस। तो यू नो देर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ अकम्पलिशिंग वन पर्टिकुलर थिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चीज़ को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम समाज एक ही तरीके को जानता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको उसी तरीके की आदत है। फॉर एग्जाम्पल मेन स्ट्रीम सोसाइटी को यही आदत है कि आंखों से देखकर ही पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ने के दूसरे तरीके भी हैं, आप उंगली से छूकर भी पढ़ सकते हैं। आप कह रहे हैं इट्स नॉट अ हर्डल। जी नॉट एट ऑल। अगर आप डिसेबिलिटी को एक डिफरेंस मान लेंगे तो इट्स नॉट अ हर्डल, इट्स अ सेलिब्रेशन। राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, अच्छा फिर स्टीफन से क्या अगला क्या आपका पढ़ाओ था, कहाँ पहुँचे आप? फिर सेंट स्टीफन से मैंने इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय लेते हुए बीए प्रोग्राम करा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस मास्टर्स में मैंने एंट्रेंस दिया, वो क्लियर हो गया, तो फिर मैं JNU आ गया।
तो जेएनयू में क्या एक्सपीरियंस रहा, स्टीफन से जेएनयू का सफर कैसा रहा? स्टीफन्स एंड जेएनयू आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो उनके आपस में तुलना तो नहीं हो सकती, बट जेएनयू ने भी बड़ा कुछ यूनिक सिखाया. जेएनयू में जो सबसे अच्छी बात मैंने सीखी वो सहिष्णुता है. जेएनयू में दो परस्पर विरोधी आइडियाज जिनके लिए बाहर लोग शायद मारकाट मचा दें, आपस में चाय पीते हुए डिस्कस होते हैं. और जेएनयू में फंडामेंटली क्लैशिंग आइडियोलॉजीज, डायमेट्रिकली अपोजिट आइडियाज आर डिस्कस्ड टुगेदर विद टॉलरेंस. हम आपसे डिसएग्री करते हैं, फंडामेंटली डिसएग्री करते हैं, फिर भी हम आपको पूरा सुनेंगे, क्योंकि हमें समझना है कि आप एक्चुअली जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, आप आ कहाँ, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप आ कहाँ से रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं, सारे. सो द यू नो दैट ऑपरेशन ऑफ आइडियाज, जो आइडियाज की पूरी सर्जरी होती है. आप कह रहे हैं एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण में वातावरण में दो डिफरेंट विचार शेयर किए जाते हैं, बात की जाती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाती है. इसका मतलब झगड़ा नहीं है, वो शेयर करना है, समझना है. जी, यहाँ मैंने डिबेटिंग क्लब भी इस्टेब्लिश करा, उसमें भी हम इसी तरीके की बातें करते थे. तो जेएनयू में आपने क्या पढ़ाई की, क्या? जेएनयू में मैंने राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़े, मास्टर्स, और फिर उसके बाद मैं एमफिल में भी जेएनयू में ही रहा. मैंने एमफिल की रोल ऑफ इमोशंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रोल ऑफ इमोशनल इमोशंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भावनाओं की भूमिका. क्या एक दो सेंटेंस में बताइए क्या भूमिका है, ये क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मेरा जो उस समय का रिसर्च था उसमें निकल के आया कि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय थ्योरीज ये कहती हैं कि दे आर रैशनल थ्योरीज, इंटरनेशनल रिलेशंस आर रैशनल अफेयर्स, जो कंट्रीज एक्शन लेते हैं वो रैशनल कैलकुलेशन पर बेस होता है. आई आर्ग्यूड दैट वी आर फंडामेंटली इमोशनल बींग्स, और हमारी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करती है कि हम किस तरीके के रैशनल एक्शन को लेते हैं. तो इट इज़ द इमोशंस विच आर फंडामेंटल, एंड रीजन इज जस्ट द सर्वेंट टू द इमोशंस. रीजन इज कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म द ड्यूटीज दैट इमोशंस वॉन्ट द रीजन टू परफॉर्म. ओके, अच्छा, अभी PhD आपकी चल रही है? जी हाँ, उसके बाद मैं MPhil का कोर्स वर्क करने के बाद ही मैंने DU में श्री अरबिंदो कॉलेज में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के तौर पे पढ़ाना प्रारंभ कर. अच्छा, अभी आप DU के कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं? जी. कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 2015 से अब तक 4 साल हो गए. ओके, अच्छा, ये IAS की परीक्षा देना कब आपने फैसला किया कि मुझे IAS बनना है? अब ये जो पढ़ाने की भी बात है, दरअसल लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं उनका ये इशू उनके साथ होता है दैट दे डोंट हैव लग्जरी टू परस्यू वॉट एवर दे वॉन्ट टू परस्यू. लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो करियर परस्यू करना चाहते हैं उनको कई बार उनका बलिदान देना होता है. जैसे अगर मेरे को करना तो IAS था, लेकिन क्योंकि IAS एक अनसर्टन बिजनेस है, मैनी पीपल कॉल इट गैम्बलिंग, जो भी है, पता नहीं रहता कि होगा भी कि नहीं. हाँ, कि ये देश की बहुत बड़ी परीक्षा है, आप बहुत तैयारी करें, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. लेकिन मेरी उम्र के सारे लोग कुछ ना कुछ करने लगे थे घर पे, तो पेरेंट्स को रहता था कि मैं कमाना कब शुरू करूंगा. अच्छा, और परिवार को शायद मेरी आवश्यकता भी थी कि मैं उनकी कुछ मदद करूँ. तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जॉब करते करते मैं ट्राई करूंगा IAS, क्योंकि ये अनसर्टन है, तो आई शुड हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन टू, और इसीलिए मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया. लेकिन हाँ, IAS का मैंने सोचा हुआ था. अच्छा, जब आपने पढ़ाना शुरू किया तो फिर आप अपने परिवार को फाइनेंशियली हेल्प करने लगे? हाँ, फैमिली को हेल्प की, मेरे से जो भी बन पड़ी उसमें फैमिली बड़ी खुश हुई कि भाई एक नौकरी हो गई है. अच्छा, तो क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का कंसर्न रहता है कि बेटा बड़ा हो गया है तो कमाना शुरू करे. जी बिल्कुल, और नहीं कमाता तो फिर हाँ वो टेंशन में आ जाते हैं, वो उनसे ज्यादा टेंशन में उनके पड़ोसी आते तो वो प्रेशर रहता है कि बेटा दिल्ली में इतने सालों से पढ़ रहा है, अभी इसने कमाना भी नहीं शुरू किया. जी जी जी. अच्छा, फिर जो आपने IAS की, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कब किया IAS का? सो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2016 में लिया. उस समय मैं अपनी MPhil लिख रहा था, तो वो अटेम्प्ट इट वाज अ डिजास्टर. उसमें तो बस ऐसे ही दे दिया बगैर किसी प्रिपरेशन के, वो दैट वाज अ मिस्टेक, क्योंकि आई हैव नो राइट टू. मतलब आप कह रहे हैं कि आपने बिना तैयारी 2016 में, हाँ, आप बिना तैयारी के इस परीक्षा में आप, हाँ, शामिल हुए. एक मिस्टेक इसलिए कहता हूँ क्योंकि किसी को भी यह हक नहीं है कि इतने बड़े एग्जाम का ऐसे सीधा जाके बिना प्रिपरेशन के दे के मजाक सा उड़ाए, तो अच्छी बात नहीं. तो पहला अटेम्प्ट तो आपका फेल हुआ, फिर 2017 में फिर मैंने अटेम्प्ट लिया. इस बार सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन
अगस्त में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया मुझे, यहाँ का शायद खाना वाना ठीक नहीं था या फिर मैं खा ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ। तो वो करीब 1.5-2 महीने रहा, सितंबर 15 के आसपास में आईसीयू में भी रहा एक दिन, उस वजह से एनपीओ पे रहा कि कुछ खाना नहीं था, सारा रूटीन डिसरप्ट हो गया। लेकिन फिर भी मेरी दोस्त थी उस समय छवि वशिष्ठ, जिन्होंने इस बार का यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, शी वाज राइटिंग फॉर मी, मेरा एग्जाम लिख रही थी उस समय वो, उन्होंने और एक मित्र हैं हमारे बड़े भैया हैं साहिल ग्रोवर, उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एग्जाम तो देना है। एग्जाम दिया, उम्मीद भी लग रही थी, लेकिन फिर ये जब रिजल्ट फाइनल आया तो मुझे पता चला कि 9 नंबरों से। अच्छा, उसमें क्या आपका प्री में हो, प्रीलिम में हो गया था, किस मेंस लिखा मैंने, मेंस। अच्छा, वो मेंस और प्री के जो बीच में समय होता है उसमें बीमार, आपकी तबीयत खराब हो गई और आप ठीक से नहीं कर पाए। तो ये थी सत्येन जी से उनके निजी जीवन के बारे में बातचीत, जहां उन्होंने मुझे बताया कि वो किन मुश्किलों का सामना करके इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। अब हम अगले सेगमेंट में हम आईएएस परीक्षा की तैयारियों के बारे में बात करेंगे, कैसे सत्येंद्र जी ने अपना टाइम मैनेजमेंट किया, कौन से विषय चुने, कैसे सवालों के जवाब दिए और कैसे इंटरव्यू फेस किया। तो आप अगले सेगमेंट में जो स्टूडेंट्स आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इसे ज़रूर सुने, वो सत्येंद्र जी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएएस परीक्षा से संबंधित कुछ टिप्स देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे शो के साथ, मोटिवेशन विद मीना।